एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं। बलवंत जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि पैन कार्ड में कोई अपना एड्रेस बदलना चाहता है, तो क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है? किन बातों का ख्याल रखना होगा? कैसे क्या हो आपका पहला कदम, समझाइए जरा। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है पैन कार्ड का डेटाबेस में, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो NSDL का साइट है, वहां जाके आप जो डिटेल्स डालनी है वो डिटेल डालिए। और जो ये इसको पैन चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं, और कभी जैसे सपोज आपका पैन कार्ड गुम गया तो आप जो फॉर्म भरते हैं वही सेम फॉर्म है, परंतु जब आप डुप्लीकेट पैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सब जो कॉलम है उसमें वो भरना पड़ता है। परंतु अगर आपको कोई फील्ड चेंज करवाना है, जैसे आपको एड्रेस चेंज करवाना है, तो जो एड्रेस वाला जो ब्लॉक है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप टिक कर दीजिए, और जो एड्रेस चेंज करना है उसके लिए ढेर सारे ऑप्शन है आप डॉक्यूमेंट के लिए, उसमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके अलावा आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर बिल है, आपका स्पाउस का पासपोर्ट है, आपका पासपोर्ट है, डिपॉजिटरी जो DP अकाउंट है, आपके शेयर्स वगैरह है, वो आप कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो ₹107, अगर ये पैन कार्ड आप इंडिया में ही चाहते हैं, और अगर आपका एड्रेस जो है पैन कार्ड डिलीवरी का वो इंडिया के बाहर है तो 994, जो लेटेस्ट 15% सरचार्ज तो सर्विस टैक्स है उसके हिसाब से है। जहाँ तक आपका सवाल है कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, सब डिटेल वगैरह डाल देंगे, तो आपका PDF जनरेट हो जाएगा। वो PDF को आप डाउनलोड कर दीजिए, दो फोटोग्राफ लगाइए, एक चिपकाने का, एक स्पेयर भेजने का है, ब्लैक इंक से आप साइन करिए, और उसमें फॉर्म में ही एड्रेस दिया है पुणे का, वहां पे आप भेज दीजिए। 15 दिन में आपको नया पैन कार्ड आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पैन कार्ड नंबर वही रहेगा, सब डिटेल्स वही रहेगी, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो बैक साइड में जो डिटेल है, जो एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए, वो चेंज हो जाएगा। चलिए, तो आपने सारे स्टेप्स को इतने सिंपली बता दिया कि लग रहा है कि उतना भी